आज हम महाराणा सांगा जो मेवाड़ के सुप्रसिद्ध शासक हैं उनके बारे में बात करते हैं। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी रहा है। अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या करके उदय सिंह यानी कि उदा 1468 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। मेवाड़ के अधिकांश सामंतों को पितृहंता उदा का गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आया और कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर रायमल को चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा। इस समय रायमल अपनी ससुराल ईडर में था। अपने पिता की हत्या की सूचना और मेवाड़ी सामंतों का निमंत्रण मिलते ही रायमल ससैन्य मेवाड़ की तरफ चल पड़ा। जावर के समीप दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिससे उदा पराजित हुआ। उदा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा सिरोही और मारवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से सिरोही के देवड़ाओं को आबू तथा मारवाड़ के जोधाओं को अजमेर का तारागुड़ दुर्ग ले लेने दिया। इतना ही नहीं, जोधा के पुत्र दूदा ने मेवाड़ के अधिकारियों को खदेड़ कर सांभर पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन उदा ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। उदा की इस नीति से अन्य मेवाड़ी सामंत भी जो अब तक उसके पक्ष धरते नाराज हो गए। फलस्वरूप उदा की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती चली गई। इसलिए पानगढ़ और चित्तौड़ के समीप लड़े गए युद्धों में उदा पराजित हुआ और कुंभलगढ़ चला गया, परंतु कुछ दिनों बाद में मेवाड़ी सामंतों ने उसे वहां से भी खदेड़ दिया। 1473 ईस्वी में रायमल ने लगभग पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, तब भी मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुआ। पितृघाती उदा अपने पुत्रों सहित मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी के शरण में मांडू आया। उसने सुल्तान से सैनिक सहायता की प्रार्थना की तथा सुल्तान को अपने पक्ष में करने के लिए उदा ने अपनी पुत्री का विवाह भी सुल्तान के साथ करने की बातचीत की। लेकिन एक दिन अचानक बिजली के गिरने से पितृघाती उदा की वही मृत्यु हो गई। उदा की मृत्यु के बाद भी सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार नहीं छोड़ा। उसने उदा के दोनों पुत्रों को राज दिलाने के बहाने साथ लेकर चित्तौड़ को जा घेरा। सुदृढ़ किले से राजा राणा रायमल ने शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया। फलस्वरूप गयासुद्दीन को मांडू लौटने के लिए विवश होना पड़ा। उदा के पुत्रों ने भागकर बीकानेर के राज्य में आश्रय लिया। राणा रायमल ने लगभग 36 वर्ष 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया, किंतु उसमें अपने पिता की भांति शूरवीरता एवं कूटनीतिकता का अभाव था। परिणाम स्वरूप मेवाड़ के कुछ अधीनस्थ क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए। आबू, तारागढ़ और सांबर तो उदा के शासनकाल में मेवाड़ से अलग हो चुके थे। रायमल ने इन्हें पुनः अधिकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, टोडा और बूंदी को भी अपने अधिकार में कर लिया। टोडा के शासक सुल्तान ने मेवाड़ में आश्रय इस आशा से लिया था कि शायद मेवाड़ से उसे सहायता मिल जाए। राव सुल्तान के साथ उसकी पुत्री तारा भी थी जो अदित्य सुंदर और वीरांगना थी। राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस सूरवीर के साथ करेगा जो टोडा को जीतकर उसे वापस दिलाएगा। राणा रायमल के द्वितीय पुत्र जयमल ने तारा की सुंदरता पर आसक्त होकर उससे विवाह करने की जिद की तथा राव सुल्तान के साथ अत्यंत ही अशिष्ट व्यवहार किया। क्रुद्ध राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया और राणा को सूचित कर दिया। जयमल की मृत्यु के बाद रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने तारा से विवाह करने का निश्चय कर टोडा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। कुंवर पृथ्वीराज ने टोडा का राज राव सुल्तान को सौंप दिया तथा वचनबद्ध राव सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया। मुसलमानों के हाथ से टोडा निकल जाने से मालवा का सुल्तान क्रुद्ध हो उठा और उसने चाकसू, सीकर, नरेना, सांबर, आमेर और अजमेर पर अधिकार कर लिया। सुल्तान के वापस लौटते पृथ्वीराज ने पुनः अजमेर पर अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर मालवा के नए सुल्तान नसरुद्दीन ने 1503 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस बार राणा रायमल ने उसे धन देकर लौटा दिया। जो भी हो, सुल्तान वापस मांडू लौट गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को सिरोही जाना पड़ा। पृथ्वीराज की एक बहन की शादी सिरोही के शासक राव जगमाल के साथ हुई थी, लेकिन वह पृथ्वीराज की बहन को अत्यधिक कष्ट दे रहा था, अतः पृथ्वीराज अपनी बहनों को समझाने सिरोही आया। लौटते समय राव जगमाल ने विषयुक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, जिनको खाने से रास्ते में पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई।
इस प्रकार राणा रायमल के दो ज्येष्ठ पुत्रों का स्वर्गवास हो गया। राणा रायमल की 11 रानियां थी जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था और जयमल दूसरा पुत्र था तथा सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगे। रायमल ने कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंपकर इस वैमनस्य में और वृद्धि कर दी। सांगा रायमल का तीसरा पुत्र होते हुए मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न दिख रहा था, लेकिन रायमल के ज्येष्ठ पुत्रों पृथ्वीराज और जयमल का दावा ज़्यादा मजबूत था। रायमल का चाचा सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी का उम्मीदवार था। कुंभा के भाई खेमकरण का पुत्र सूरजमल तो रायमल को भी मेवाड़ का शासक स्वीकार करना आपत्तिजनक समझता था। ऐसी स्थिति में सांगा को सिंहासन प्राप्त होना दूर की कल्पना थी। रायमल के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर इन सभी उम्मीदवारों में रायमल के जीवन काल में तनाव उत्पन्न हो गया था। एक दिन पृथ्वीराज जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के यहाँ पर पहुंचे और अपना भविष्य पल जानना चाहा। ज्योतिषी ने जन्म पत्रियों के आधार पर सांगा को राज योग प्रबल बताया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन न कर सका और आवेश में आकर अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा तो बच गया किंतु तलवार की हूल से उसकी एक आंख फूट गई। इस पर सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया। उसने सांगा की आंख का इलाज भी करवाया किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि ज्योतिष के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव करना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन से जो कि चमत्कारी के अपना भविष्य जान लें। अतः तीनों भाई सारंग देव के साथ भीमल गांव के उस पुजारिन के पास पहुँचे। पुजारिन उस समय कहीं गई थी, ऐसे सभी उसका बैठकर इंतजार करने लगे। जब पुजारिन आई तो सभी ने उससे अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। पुजारिन ने भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। इतना सुनते तीनों वहीं युद्ध आरंभ हो गया। पृथ्वीराज राणा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जयमल भी उसका पीछा करता हुआ सेवंत्री गांव आया और इस गांव में राठौड़ वीदा ने सांगा को शरण दी, लेकिन राठौड़ वीदा जयमल के हाथों मारा गया। सांगा गोडवाण के रास्ते से अजमेर पहुंचा जहां करमचंद पवार ने उसे आश्रय दिया। इस प्रकार सांगा कई दिनों तक अज्ञातवास में रहा। अब इस संपूर्ण प्रकरण में कितना ऐतिहासिक तथ्य है ये कहना बड़ा मुश्किल है, किंतु सांगा ने सारंगदेव को अपनी तरफ मिलाया। सारंगदेव को सूरजमल के भय के कारण किसी सहयोग की आवश्यकता थी। पृथ्वीराज और जयमल तो राज के निकटतम अधिकारी थे, उनका भी एक गठबंधन होना स्वाभाविक था। सारंगदेव का बीच विचार करने का प्रयत्न और अपने राजपूत साथियों के साथ भीमल गांव आना भी एक षड्यंत्र का सूचक था। इस संपूर्ण कथानक में राणा सांगा की महत्वाकांक्षा तथा उसकी पूर्ति के लिए सतर्कता स्पष्ट होती है। जब सांगा अज्ञातवास में था तब मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होना असंभव दिखाई दे रहा था, किंतु परिस्थितियां धीरे धीरे उसके अनुकूल होती चली गई। जयमल राव सुल्तान के हाथों मारा गया और सिरोही से लौटते समय रास्ते में अपने बहनोई द्वारा दिए गए विषयुक्त लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व पृथ्वीराज ने सारंगदेव की भी हत्या कर दी। बचा हुआ सूरजमल भी नए राज्य की स्थापना की तलाश में कांठल की ओर चला गया। अतः सांगा के विरोधियों की समाप्ति हो चुकी थी तथा राणा रायमल के लिए सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में करमचंद पवार ने राणा रायमल को सांगा के बारे में सूचना भिजवाई। राणा रायमल ने तत्काल सांगा को चित्तौड़ बुला भेजा तथा उसे महाराज कुमार का पद दिया। संभवतः तब रायमल मृत्युशैया पर था, तभी सांगा को अजमेर बुलाया गया था। अतः रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। और इस तरीके से 1509 ईस्वी के अंदर महाराणा सांगा को मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त हुआ।